गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। हम स्टडी कर रहे हैं क्लास और सिक्स और सेवन्थ के एक कंबाइंड टॉपिक की, जिसका नाम है फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस के लगभग 8 वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। लास्ट वीडियोस में हमने स्टडी की थी फाइंड द सम ऑफ द फ्रैक्शंस या एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस, कि फ्रैक्शंस नंबर जो होते हैं उनका एडिशंस किस प्रकार किया जाता है। आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे या सीखेंगे फाइंड द डिफरेंस ऑफ फ्रैक्शंस। तो आज हमारा ये वीडियो जो है हमेशा की तरह क्लास सिक्स और सेवन्थ का एक कंबाइंड टॉपिक है और सब्जेक्ट है हमारा मैथ्स। टॉपिक स्टडी कर रहे हैं हम फ्रैक्शन भिन्न के बारे में और उसका वीडियो पार्ट स्टडी करेंगे आज हम 9। हम स्टडी जो कर रहे हैं या क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहे हैं स्टूडेंट, वो क्लास सेवन्थ के चैप्टर 2 से कर रहे हैं। उनके कुछ क्वेश्चंस जो फ्रैक्शन नंबर के हैं उनको हम सॉल्व कर रहे हैं। आज हम सॉल्व करेंगे लेसन नंबर 2 की जो एक्सरसाइज है 1, उसके क्वेश्चन नंबर 7 की, जिसका नाम है फाइंड द डिफरेंस, या हम लिख सकते हैं सब्ट्रैक्शंस ऑफ फ्रैक्शन, यानी भिन्नों की घटाव के बारे में। अब फाइंड द डिफरेंस स्टूडेंट्स, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको, एक आज कुछ यूनिक चीज और मैं बताना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनके बारे में हम पढ़ते तो हैं लेकिन हम उतना ध्यान नहीं दे पाते। कई बार आपकी जो बुक है उसमें एक क्वेश्चन आता है फाइंड द सम, तो क्वेश्चन क्या आता है स्टूडेंट्स, फाइंड द सम। अब हमारे मन में सवाल उठता है व्हाट इज द सम, सम क्या है। तो व्हाट इज द सम, व्हेन वी ऐड टू नंबर लाइक 2 + 3, हम ऐड करते हैं। फाइंड द सम में हमें दिमाग में क्या आता है कि जो नंबर दिए गए उन्हें ऐड करना है। एक्चुअल में जो सम है वो ये नंबर कहलाता है, 5 इज द सम ऑफ 2 और 3। इस क्वेश्चन में जैसे मैंने लिखा है सब्ट्रैक्शंस ऑफ फ्रैक्शंस, इसमें क्वेश्चन आता है फाइंड द डिफरेंस। तो व्हाट इज डिफरेंस, 5 - 2 = 3, 3 इज द डिफरेंस ऑफ 5 और 2। इसी तरह एक वर्ड आता है फाइंड द प्रोडक्ट, देन व्हाट इज द प्रोडक्ट, 2 × 3 = 6, इट इज कॉल्ड प्रोडक्ट, कि गुणनफल, हिंदी में क्या कहते हैं गुणनफल। तो 2 और 3 का जो गुणनफल है या प्रोडक्ट है वो 6 है। तो 6 क्या है, प्रोडक्ट है, 3 क्या है के डिफरेंस है, 5 क्या है कि सम है। इसी तरह आता है क्वेश्चन कि 6 / 2 = 3, इट इज कॉल्ड क्वेश्चन। तो इन चीजों में क्या है, क्वेश्चन में जब सवाल पूछा जाता है तो ये पूछा जाता है, और हमारे मन में क्या आता है कि अगर सम का है तो ऐड कर दो, डिफरेंस का है तो सब्ट्रैक्शन कर दो। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि डिफरेंस होता क्या है, डिफरेंस किसे कहते हैं। इन तीनों नंबर में से डिफरेंस क्या है, 3 है, सम क्या है, 5 है, प्रोडक्ट क्या है, 6 है, क्वेश्चन क्या है, 3 है। तो ये कुछ सिंपल और कॉमन जानकारियां थी जो मैंने आपको दी इस सवाल को लेकर, कि क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो है फाइंड द डिफरेंस, यानी कि हमें अंतर ज्ञात करना है किसका, जो संख्याएं दी गई है। अब हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स जो क्वेश्चंस हमारे इस बुक में दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि फ्रैक्शन नंबर का एड या सब्ट्रैक्शन करने के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम होना, या जो दी गई फ्रैक्शंस है वो लाइक फ्रैक्शंस होनी चाहिए। हालांकि इस क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन आपके दिया गया है वो लाइक फ्रैक्शन का ही है स्टूडेंट्स, 3/8 - 1/8। अब यहां देखिए यहां क्या है, सब्ट्रैक्शन का चिन्ह है स्टूडेंट, अगर यह प्लस का भी चिन्ह होता तो वही फॉर्मेशन रहता। जैसा कि मैंने सब में बताया था, अगर आपके पास दोनों डिनोमिनेटर सेम है, सब्ट्रैक्शन में ध्यान रखें दो ही संख्याएं आएगी, दो से अधिक संख्याएं नहीं होती, डिफरेंस दो संख्याओं के निकाला जाता है। एडिशंस में जो है वो नंबर 2, 3, 4, 5 हो सकते हैं।
फ्रैक्शन ज्यादा हो सकते हैं। यहां सब फ्रैक्शन में हमारे पास दो ही संख्याएं हैं, जैसा कि मैंने एडिशन में बताया था कि जो भी डिनोमिनेटर जब सेम होता है तो हम एक बार क्या लिखते हैं, डिनोमिनेटर को लिखते हैं। और न्यूमरेटर में क्या करते थे, पहले जब प्लस का चिन्ह होता तो ऐड करते थे, अब माइनस का चिन्ह है तो सबट्रैक्शन करेंगे, हमारे सामने आंसर आएगा 2/8। अब जब भी आपका कोई आंसर निकलता है आप उसे देखें कि वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। अगर प्रॉपर है तो क्या उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में बदला जा सकता है, अगर इम्प्रॉपर है तो उसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किया जा सकता है। अब चूंकि हमारे पास जो ये फ्रैक्शन है वो है प्रॉपर, इम्प्रॉपर नहीं है। प्रॉपर कैसे है कि जिसमें न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो प्रॉपर होती है, जब न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा तो वो इम्प्रॉपर होती है। प्रॉपर को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में या लोवेस्ट टर्म में चेंज कर सकते हैं और इम्प्रॉपर को जो है वो हम मिक्स फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। अब यहां हम देखते हैं कि 2 और 8 एक ही नंबर की टेबल में आते हैं, वो है 2, तो 2 1 2 2 4 8, ये हो गया हमारा आंसर। इट इज सो इजी स्टूडेंट्स फॉर यू। नेक्स्ट नंबर है 7/12 3/12 7/12 and 3/12। ओके स्टूडेंट्स, लाइक लास्ट सबट्रैक्शंस, दोनों डिनोमिनेटर का एक कॉमन डिनोमिनेटर लेंगे, पहले न्यूमरेटर को करेंगे माइनस, 7 - 3, 7 में से जब 3 को सब्ट्रैक्ट किया जाता है स्टूडेंट्स तो आता है 4 4/12। नाउ अगेन लाइक दिस पैटर्न, इसी पैटर्न की तरह ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होने के कारण हम इसको क्या करेंगे, लोवेस्ट टर्म या सिंपलेस्ट टर्म में चेंज करेंगे। यहां भी हम देखते हैं कि 4 की टेबल में 12 आता है तो 4 1 4 4 3 12। इस तरह हमने दो सॉल्यूशंस कर लिए हैं। अगला जो सॉल्यूशन है ठीक इसी प्रकार का है, इसमें है थर्ड में 47/11 -25/11। तो स्टूडेंट्स यहां भी हम देखते हैं कि हमारे सामने जो है वो लाइक फ्रैक्शंस है, लाइक फ्रैक्शंस होने के कारण इन्हें डायरेक्ट इसी मेथड से किया जाएगा। कॉमन ले लिया हमने डिनोमिनेटर को एक बार 11, सब्ट्रैक्ट करेंगे 47 - 25, तो आंसर आएगा 22/11। अब यहां हम क्या देखते हैं स्टूडेंट्स, यहां हमने देखा कि ये दोनों क्या थी, प्रॉपर फ्रैक्शन थी, न्यूमरेटर छोटा था और डिनोमिनेटर बड़ा था। अब हमारे थर्ड क्वेश्चन में जो आया है वो क्या आ गया कि डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा, न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर क्या है, छोटा है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में क्या देंगे, भाग देंगे, डिवाइड करेंगे। यहां चूंकि भाग पूरा पूरा जा रहा है इसलिए आंसर जो है वो किस में आएगा, होल नंबर में। अगर डिवाइड पूरा नहीं जाता और रिमाइंडर शेष बचता तो यहां पर हमें आंसर किस में लिखना पड़ता स्टूडेंट्स, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना पड़ता। तो स्टूडेंट्स अभी हमने जो 3 सबट्रैक्शंस किए हैं इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी जो मैंने आपको सबट्रैक्शन समझाई है ये केवल कॉमन, जो सेम के सेम जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं या लाइक टर्म में होते हैं उनका मैंने आपको ये अभी सबट्रैक्शन करना सिखाया है, जिसमें हमने देखा है कि किस प्रकार जो है वो इन नंबर्स का हम सबट्रैक्शन करते हैं। लेट्स अगेन नंबर 4। ये तीनों क्वेश्चन जो है वो आपके क्लास 7th के बुक्स के हैं, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम कर रहे हैं जिसमें अगर हम लेते हैं नंबर 13/15 -8/15। ओके स्टूडेंट्स, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है और दोनों ही किस में है, लाइक टर्म में है, तो डिनोमिनेटर क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे हम 15, अब क्या करेंगे 13 - 8, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 5/15। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2 और ये जो हम 4th कर रहे हैं तीनों सेम है, देखिए आप तीनों क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। उसी की तरह 2 की टेबल में 8 आता था तो 1/4 फ्रैक्शन किया, 4 की टेबल में 12 आता तो 1/3 फ्रैक्शन किया, यहां पर भी 5 की टेबल में 15 आता है तो 5 1 = 5 और 5 3 = 15, ये हो गया हमारा आंसर 1/3। तो स्टूडेंट्स आज हमने जब इस वीडियो में सॉल्व करना सीखा है
सबट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन कहे या फाइंड द डिफरेंस इन फ्रैक्शनल नंबर, हमने इसी कहा, जिसमें आज हमने केवल जो डिफरेंस निकाला है वो किसका निकाला है स्टूडेंट्स, लाइक फ्रैक्शंस का। लाइक फ्रैक्शंस मीन जिसका डिनोमिनेटर क्या होता है, इक्वल होता है या सेम होता है। आज हमने इस वीडियो में इसके बारे में स्टडी किया है, अगले वीडियोज में स्टूडेंट्स हम स्टडी करेंगे जिनके फ्रैक्शंस के जो है वो लाइक फ्रैक्शंस नहीं होते या डिनोमिनेटर क्या नहीं होते, इक्वल नहीं होते, किस प्रकार फिर हम उन्हें इक्वल करेंगे और इक्वल करने के बाद हम उनके सबट्रैक्शंस करेंगे, उसके लिए स्टडी करेंगे हम अगले वीडियो में। वीडियो जरूर देखें, लाइक जरूर करें और शिक्षा से जुड़े रहें, शिक्षा से दूर ना हो, वंचित ना हो। थैंक यू।